बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड वाला टॉपिक फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के अंदर आता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लगा हुआ हो तो ये साइड सफिक्स इंडिकेट करता है कि वो किसी चीज़ को किल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हर्बिसाइड आता है, स्कैबिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, बैक्टेरियासाइड है, माइक्रोबिसाइड है। तो ऐसी जो ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में साइड लगा होता है, उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को किल करना। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि जो इन्फेंट, जिसको नौजायदा बच्चा बोलते हैं, उसको किल कर देना। कहते हैं कि जो इन्फेंट का जो ड्यूरेशन होता है तकरीबन 1 साल तक एक्सटेंड करता है, जो न्यू नेट जो 1 साल तक रहता होता है अप टिल द बर्थ, तो 1 साल की उम्र तक उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और उस इन्फेंट की डिस्ट्रक्शन करवा देना, अनलॉफुल डेथ करवा देना, क्रिमिनल मर्डर करवा देना, तो उसको बोलते हैं हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड की जो सज़ा होती है वो सेक्शन 302 के तहत दी जाती है। ठीक है, ओके। अब इसका डिफरेंस क्या होता है? ये जो इन्फेंटिसाइड है ये ऑर्डिनरी मर्डर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी वजह ये है कि जो वकील इस्तगासा को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो बच्चा पहले पैदा हुआ था वो बिल्कुल सही सलामत पैदा हुआ था, और पैदा होने के बाद तब इस पर कोई ना कोई क्रिमिनल वायलेंस हुआ है, तभी हम इसको इन्फेंटिसाइड के अंदर डालेंगे। ठीक हो गया। तो एक वर्ड होता है स्टिल बर्थ, एक होता है स्टिल बॉर्न। तो स्टिल बर्थ और स्टिल बॉर्न का मतलब क्या होता है? जो स्टिल बर्थ है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जबकि स्टिल बॉर्न का मतलब होता है कि बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी की डेथ हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम स्टिल बॉर्न। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। इन्फेंटिसाइड की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन और क्रिमिनल मर्डर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी या इन्फेंट अप टिल 1 ईयर ऑफ एज, तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ओके, इन्फेंटिसाइड। और इसकी पनिशमेंट तकरीबन 302 सेक्शन एक्ट के तहत सजा दी जाती है। इसका डिफरेंस ऑर्डिनरी मर्डर से ये होगा क्योंकि वकील इस्तगासा को ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो बेबी है वो बिल्कुल सही सलामत पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद तब इसके पर कोई ना कोई क्रिमिनल वायलेंस हुआ है। इन्फेंटिसाइड क्यों करवाया जाता है, इसके मकसद क्या होती है? पहला है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शादीशुदा औरत नहीं थी, अनमैरिड वुमेन, या बेवा थी, उसने किसी के साथ इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है और कोई इन्फेंट पैदा हो चुका है, तो उससे जान छुड़ाने के लिए ये किया जाता है इन्फेंटिसाइड। या ये भी हो सकता है कि मैरिड वुमेन, यानी जो मैरिड वुमेन भी ये कर सकती है इन्फेंटिसाइड, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ लिखी हुई है। ये इस वजह से करती है कि जो फीमेल इन्फेंट है उसको किल कर दे, टू स्केप द स्टिग्मा ऑफ हैविंग सन अलाइव। स्टिग्मा का मतलब होता है डिसग्रेस मार्क्स, के उनको बुरे बुरे लकब ना दिया जाए कि इनके वहाँ दामाद आने वाला है। ठीक हो गया। तो फीमेल इन्फेंट को अकेले कर देते थे। बाज वक्त ऐसा होता कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, वो मजीद आगे बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते उस बच्चे के अखराजात को, तो उसको किल कर देते थे। या जो प्रोस्टिट्यूट थे वो मेल चिल्ड्रन को किल कर देते थे। तो ये इन्फेंटिसाइड के मोटिव्स होते हैं। ओके, अब इन्फेंटिसाइड का केस आ जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, तो इसने क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी है? सबसे पहले उसने उस वुमन को जिसने इन्फेंट इन्फेंटिसाइड करवाया है या जिसके न्यू नेट के ऊपर हुआ इन्फेंटिसाइड, तो उसको एग्जामिन करना पड़ता है, वुमन फॉर रिसेंट डिलीवरी। ओके, यानी जो चाइल्ड होता है वो एक्यूज्ड वुमन से बिलोंग करता है, तो उस वुमन की एग्जामिनेशन करनी होती है। फिर इसके बाद डेड चिल्ड्रन की एग्जामिनेशन करनी है, पहले वुमन की फिर उस चिल्ड्रन की करनी है, ये चेक करने के लिए कि वो के पैदा मुर्दा पैदा हुआ था, ओके, स्टिल बॉर्न था, ठीक है, स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न था। ठीक है, इनका डिफरेंस हम करेंगे अभी, स्टिल बॉर्न में और डेड बॉर्न में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड मेच्योर था, इमेच्योर था। अगर इमेच्योर था तो क्या ये वायबल था? वायबल का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, इंट्रा यूट्राइन के अलावा। क्या ये चाइल्ड अलाइव था? अगर था तो उसने सांस लिया था, और कितने हद तक उसने सांस लिया था? अगर वो जिंदा था तो वो कितने हाउ लॉन्ग डिड द चाइल्ड सर्वाइव, कितना सर्वाइव कर सकता था? मौत की वजह क्या थी? नेचुरल था, होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल था? ओके, नेचुरल, होमिसाइडल या एक्सीडेंटल। क्या ये चाइल्ड एक्यूज्ड वुमेन से बिलोंग करता था? ओके, तो इसको करने के लिए जो हम उस वुमेन के अंदर साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी को चेक करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं विद द एज ऑफ चिल्ड्रन के साथ। ओके, वैसे ये वाली लाइन आपने करनी नहीं है, आपने क्या याद करनी है, इन केस ऑफ इन्फेंटिसाइड आपने क्या क्या एग्जामिन करना है? वुमेन को एग्जामिन करना है, डेड चिल्ड्रन को एग्जामिन करना है। ठीक हो गया। और डेड चिल्ड्रन में भी बॉर्न डेड मुर्दा पैदा हुआ था, मेच्योर था, इमेच्योर था, अलाइव पैदा हुआ था, कितनी सांस उसने ली थी, कब तक वो कितना सर्वाइव कर सकता था, मौत की वजह क्या थी। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद आप आ जाओ इस टॉपिक में, यानी आप इस वाले टॉपिक में से, तो आप ये पहचानोगे कि जो चाइल्ड था वो अक्यूज्ड वुमेन से बिलोंग करता या था या नहीं करता था। तो उसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो दूसरा, डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर, यानी डेड बेबी है, बॉडी नहीं कहेगी, डेड बेबी कहेगी, डेड बेबी के ऊपर फॉलोइंग क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। पहला, कि वो स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न, यानी स्टिल बॉर्न और डेड बॉर्न एक ही को बोलते हैं। एक वर्ड होता है स्टिल बॉर्न, एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होती है?
तो जो पहले हम स्टिल बॉर्न और दूसरा डेड बॉर्न, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह को करेंगे। तो स्टिल बॉर्न में जो चाइल्ड होगा वो अपने वायबल पीरियड के बाद बॉर्न होता है। वायबल पीरियड होता है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या वो पीरियड होता है 7 महीने के बाद जिसमें चाइल्ड एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को बर्दाश्त कर सकता होता है, तो उसको पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि इस केस के अंदर लंग्स के अंदर एल्वियुलर टाइप 2 सेल, वो निमोसाइट्स वगैरह जो कहते हैं, वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। स्टिल बॉर्न का मतलब ये है कि वायबल पीरियड के बाद बेबी बॉर्न हो चुका है, लेकिन डिलीवरी के बाद कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं था। लेकिन डेड बॉर्न के अंदर वो यूट्रस के अंदर ही मर गया है, और यूट्रस के अंदर मर गया है तो इसके अंदर आपको जो थैनाटोलॉजी वाले साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइगर मॉर्टिस है, मैसिरेशन है, मामीफिकेशन देखने को मिलती है। अब राइगर मॉर्टिस को एक्सप्लेन करेगा, मैसिरेशन को एक्सप्लेन करेगा, और मामीफिकेशन को एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो स्टिल बॉर्न और डेड बॉर्न का आपने डिफरेंस देख लिया। दोबारा बता देता हूँ स्टिल बॉर्न और डेड बॉर्न में क्या डिफरेंस होता है। कि स्टिल बॉर्न में वायबल पीरियड के बाद बेबी बॉर्न होता है, लेकिन वो जब वो डिलीवरी के बाद उसमें कोई साइन सिम्टम नजर नहीं आते, लाइफ के जिंदगी के कोई असर नजर नहीं आते, तो उसको स्टिल बॉर्न बोलते हैं। और डेड बॉर्न वाले के अंदर आप कह सकते हो कि यूट्रस के अंदर ही मर गया, और इसके अंदर रिगर मॉर्टिस, मैसिरेशन, मम्मीफिकेशन शो हो जाती है। अब इसके भी मजीद कॉजेस लिखे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो लेबर से पहले डेथ हुई है या लेबर के दौरान हुई है। अगर लेबर से पहले हुई है तो उसको बोलेंगे एंटीनेटल, और लेबर के दौरान हुई है तो उसको इंट्रानेटल बोलेंगे। लेबर से पहले तो क्या क्या कॉज हो सकती है, मेटरनल कॉजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीक्लैम्सिया, टॉक्सीमिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, पोस्ट मेच्योरिटी डायबिटीज है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटालिस, एक्सीडेंटल हैमरेज हो सकता है, कॉर्ड की नॉट्स हो सकती है, न्यूरोसाइफिलस हो सकता है। जबकि लेबर के दौरान हम जो चीजें आएगी वो इसके लेबर से रिलेटेड आएगी, फॉर एग्जाम्पल प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से एनॉक्सिया हो जाता है, डिफिकल्ट लेबर है, या हेड की कम हेड बाहर नहीं निकल पा रहा जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, इस्कीमिक डेथ हो सकती है, कॉर्ड का प्रोलैप्स है, या एनर्जेसिक्स या हिप्नोटिक की ज़्यादा डोज ले ली है, या पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से भी डेथ हो सकती है। इंट्रानेटल ड्यूरिंग द लेबर, एंटीनेटल प्रायर टू द लेबर। तो आपको समझ आ रही होगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। हम ये वाले इस हेडिंग को इलेबोरेट करें, इस वाली को, कि इन्फेंटिसाइड के अंदर हम किन किन चीज़ों का एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले वुमेन को एग्जामिन करते थे तो उसकी हेडिंग ये वाली होगी, फिर डेड बॉडी, सॉरी डेड बेबी को एग्जामिन करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था कि जो चाइल्ड था वो डेड बॉर्न था या स्टिल बॉर्न था, ठीक है, ये पता चलाना। ठीक है, तो ये पता चलाने के लिए हमने स्टिल बोन और डेड बोन वाली हेडिंग को कवर कर लिया। डेड बोन वाले बेबी के अंदर तीन चीज़ें देखने को मिलती है, राइगर मॉर्टिस, मैसिरेशन एंड मम्मीफिकेशन। मैसिलेशन या प्यूट्रीफैक्शन कोई भी हो सकती है। मैसिलेशन इस केस में होगी जब आपको एसेप्टिक आउटोलाइसिस होगी। इन केस ये आपको पता है कि जो प्यूट्रीफैक्शन होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, पहला लाइसोसोमल एंजाइम जो अपने ही सेल को इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, दूसरा बैक्टीरियल प्यूट्रीफैक्शन। तो मैसिलेशन के अंदर आप कह सकती हो कि अगर यूट्रस है उसके अंदर कोई एयर नहीं है, कोई माइक्रोब नहीं है, तो सिर्फ जो एसेप्टिक आउटोलाइसिस चलेगा। डेड फीटस की सॉफ्टनिंग हो जाती है, टिश्यू फ्लैसिड हो जाएगी, क्यूटिकल ब्लिस्टर बनाना शुरू कर देगा, स्किन का कलर ब्राउनिश रेड हो जाएगा, बॉडी ऑरेंज और ऑरेंज सॉफ्ट एडिमाटस हो जाएगी, बॉडी कैविटी रेड कलर सीदम से भर जाएगी, बॉडी के जंक्शन एंड लैग्स यानी बॉडी के जो जंक्शंस है, बॉडी के जॉइंट्स है, वो आपस में लैग्स हुए पड़े होंगे, सॉफ्ट हुए पड़े होंगे, स्कल की बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्पार्लिंग साइन, ये एक्सरे पे देखने को मिलता है। उसकी स्मेल रैंसेड होती है, कोई गैस नहीं होगा, और ये स्टीराइल प्रोसेस है, इसके अंदर किसी भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं देखने को मिलती। लेकिन प्यूट्रीफैक्शन के अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आ जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया उसको गला सड़ा देंगे, प्यूट्रीफैक्शन हो जाएगी। ये कब होगा, जिसके अंदर फीटस की डेथ हो गई है, और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, एयर एंटर होगी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तब यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगा, तब यहाँ पे प्यूट्रीफैक्शन चलेगा, मैसिलेशन नहीं चलेगा। प्यूट्रीफैक्शन और मैसिलेशन में क्या फर्क है, कि मैसिलेशन एसेप्टिक होता है, लेकिन ये सेप्टिक होता है। सेप्टिक चेंजेस होने की वजह से स्किन का कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन इस केस के अंदर स्किन का कलर किस टाइप का था, अगर आप यहाँ पे देखो स्किन का कलर क्या था, बॉडी कैविटी स्किन ब्राउनिश रेड था, लेकिन यहाँ पे स्किन का कलर ग्रीन बन जाएगा गैसेस के एकुमुलेशन होने की वजह से, गैसेस बनेगा और गैसेस की स्मेल काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। फाइनली मम्मीफिकेशन हो जाएगी, और मम्मीफिकेशन कब होगी, जब फीटस की तरफ ब्लड सप्लाई काफ़ी डेफिशिएंट होती है, या एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा कम होता है, या कोई एयर यूट्रस में एंटर नहीं होती है। लेकिन अब एयर एंटर हो जाएगी तो प्यूट्रीफैक्शन आ जाएगी और मम्मीफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि जो मम्मीफिकेशन और मैसिलेशन ये असल में प्यूट्रीफैक्शन की मॉडिफिकेशन होती है। अगर प्यूट्रीफैक्शन होगी तो मैसिलेशन मम्मीफिकेशन नहीं होगी, और प्यूट्रीफैक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूट्रस के अंदर एयर एंटर नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया कि जो बेबी था वो मुर्दा पैदा हुआ था, तो डेड बॉर्न था या स्टिल बॉर्न था। नेक्स्ट हमने जवाब देना होगा कि मेच्योर या इमेच्योर, मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी, और इसके साथ वायबिलिटी भी लिखी हुई है।
तो वायबिलिटी का डिसाइड करने के लिए हम सेवंथ मंथ का मार्जिन रखते हैं, सेवंथ मंथ या 28 वीक्स। जो इससे पहले होगा तो वो वायबल नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम से कम होती है। लेकिन अगर 7 महीने से ज़्यादा इसके बाद पैदा होगा तो वो वायबल होगा, क्योंकि इसके अंदर सर्फेक्टेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका होता है और वह सर्वाइव कर सकता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट को। ओके, तो जो वायबिलिटी का तो हमने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बेबी पैदा हुआ था क्या वो वाकई में ज़िंदा था जब उसकी डिलीवरी हुई थी। तो ये चेक करने के लिए हम लाइफ के साइंस को देखते हैं। यहाँ पर सिंग्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर साइंस आना चाहिए था। ओके, साइंस है। ओके, तो साइंस क्या होते हैं लाइफ बर्थ के? सबसे पहले सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, दूसरा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सिविल केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर। ओके, और फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर साइंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पायरेशन है। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड है कि चाइल्ड की मेच्योरिटी कैसी है, डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड है। और लास्ट आएगा अदर साइंस, ठीक है, अदर साइंस ऑफ लाइफ। तो यह बताएगी कि जो बेबी पैदा हुआ था वाकई में जिंदा था डिलीवरी के बाद या नहीं था। पहला सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर पहला सिविल केसेस, दूसरा क्रिमिनल केसेस। अब यह पता चलाना है कि जो बेबी पैदा हुआ था क्या वो वाकई में जिंदा था, तो ये हमें आई विटनेस से पता चलता है, यानी वो बंदा जिसने डिलीवरी के बाद बेबी को देखा था, इन्फेंट को देखा था, तब वही बता सकता है। इसके अंदर एविडेंस में क्राइंग आ सकती है बेबी की, या अपने हाथ पांव हिला रहा था, आईलिड्स को ट्विच कर रहा था, सांस ले रहा था, या हार्ट बीट या पल्सेशन उसके अंदर थी, ठीक है। जो एम्बिलिकल कॉर्ड या हार्ट बीट की पल्सेशन होती है वो हमें अच्छा खासा प्रूफ प्रोवाइड कर सकती है। अगर बेबी यूट्रस के अंदर क्राई करता है तो उसको बोलते हैं वेजिटस यूट्राइनस, और अगर वजाइना के अंदर क्राई करता है तो उसको बोलते हैं वेजिटस वजिनालिस। ये क्राई जो किसी भी रूम के अंदर ऑडिबल होती है, ठीक है, और रूम से बाहर भी हो सकती है, जहाँ पर जो लेबर रूम से बाहर भी हो सकती है। अगर बेबी की क्राई यूट्रस के अंदर हो तो उसको बोलते हैं वेजिटस यूट्राइनस, अगर वजाइना के अंदर हो तो उसको बोलते हैं वेजाइटस वजिनालिस। ओके, ऐसा कब होता है? जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और ईयर यूट्रस और वजाइना के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, और ईयर की एंट्री होने की वजह से एस्फिक्सिया होना शुरू हो जाएगा, और उस एस्फिक्सिया की वजह से आपको क्राइंग वगैरह सुनने को देखने को मिल सकती है, देखने को नहीं सुनने को मिल सकती है। अगर यूट्रस में होता है उसको बोलेगे वेजाइटस यूट्राइनस, और अगर वजाइना के अंदर होता है उसको बोलेगे वेजिटस वजाइनालिस। ओके, क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको ऐसे साइंस नहीं देखने को मिलते, स्पेसिफिकली फर्स्ट 3 साइंस, क्योंकि यहाँ पर आई विटनेस यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो इस केस के अंदर आपको मेडिकल विटनेस की जरूरत पड़ती है कि ये बताने के लिए कि ये वाकई में स्टिल बॉर्न था या स्टिल बर्थ था, ठीक हो गया, फ्रॉम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ओके, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट लिखे हुए हैं, पहला है स्टैटिक टेस्ट और फॉर्डरे टेस्ट। नॉर्मली जो फीटल लंग्स होते हैं उनका एवरेज साइज 450 से लेकर 600 ग्राम होता है, लेकिन जब वो सांस लेते हैं, जब जाहिर है जब जिंदा होगी तो उन्होंने सांस ली होगी, रिस्पायरेशन के बाद इनके लंग्स का वेट 900 से लेकर 1 kg तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये माइनर इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेडिकल लीगल वर्क। दूसरा टेस्ट होता है प्लैकेट वर्क। प्लैकेट वर्क के अंदर हम ये चेक करते हैं के लंग्स का बॉडी वेट से कितना कंपैरिजन है, यानी द प्रोपोर्शन ऑफ लंग वेट टू द बॉडी वेट। रिस्पायरेशन से पहले जो रेशियो होती है वो 1/70 होती है, लेकिन रिस्पायरेशन के बाद 1/35, यानी डबल हो जाती है रेशियो, या 1/2 हो जाती है, ठीक है, 1, यानी लंग्स का थोड़ा सा एक्सपेंशन ज्यादा। ओके, अब ये इसको बोलते हैं प्लैकेट टेस्ट। और प्लैकेट टेस्ट के अंदर लंग्स का और बॉडी वेट का कंपैरिजन, जबकि स्टैटिक टेस्ट के अंदर लंग्स का एवरेज वेट को देखा जाता है। इसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है और हर केस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता ये कि जो अनरिस्पायर्ड लंग है, ऐसे लंग्स जिसने कभी रिस्पायरेशन नहीं की, तो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 1040 से लेकर 1056 तक होती है, लेकिन जिस लंग ने रिस्पायरेशन किया तो उसकी 940 से लेकर 950 आना शुरू हो जाती है, यानी वो वाटर से लाइटर होता है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, जिस तरह गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है तो वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर हम उसको पानी के ऊपर रखेंगे तो ऐसा लंग जिसके अंदर जिसने सांस ली होगी, रिस्पायरेशन की होगी, ब्रीथिंग की होगी, उसके अंदर हवा होगी और वो फ्लोट कर पाएगा पानी के ऊपर, लेकिन जिस लंग ने कोई सांस नहीं ली होगी तो वो ब्रेथ नॉन ब्रेथ होगा और वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा बल्कि डूब जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। ओके, तो लाइफ स्टिल बॉर्न या स्टिल बर्थ, या इसको लाइफ बॉर्न बोल देते, लाइफ बॉर्न और स्टिल बॉर्न, इनको सेपरेट किस तरह से करते हैं? तो इनको सेपरेट करते हैं लंग्स की बेस पर और साइंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पायरेशन की बेस पर। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वह है चेस्ट। जो स्टिल बॉर्न है, यानी जो हम कह सकते हैं कि जब पैदा हुआ था फिर मर गया था, उसने कोई सांस नहीं ली, लेकिन इसने सांस ली होगा। ओके, तो इस केस के अंदर
इसके चेस्ट फ्लैट होती है, लेकिन इसकी चेस्ट बिल्कुल इन्फेंट लाइक होती है, आर्च ड्रम शेप होती है। इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है चेस्ट का, वो एब्डोमेन से कम होता है लेकिन इसका बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि सांस ले रहा है, इंटरकोस्टल मसल यूज हो रही है, इंटरकोस्टल स्पेसिस नैरो होती है, इंटरकोस्टल स्पेसिस वाइड होती है। इन शॉर्ट चेस्ट को यूज करेगा जब ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। डायाफ्राम इसमें 6 से लेकर 7 रिब तक चला जाता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो सांस लेगा तो डायफ्राम इस तरह का हो जाएगा। लंग्स को अगर देखते हैं तो लंग्स में से इसकी पोजीशन पोस्टीरियरली होती है, और जबकि लाइव बॉर्न वाले केसेस के अंदर जिंदा बेबी है तो इसमें पूरी थोरासिक कैविटी को कवर करता है। प्लूरा इसमें रिंकल्ड लूज होते हैं, लेकिन इसमें टफ और टाइट कवरिंग होती है, शार्प एजेस होते हैं, राउंडेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा भरना शुरू हो गई है। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर गुब्बारे में हवा भर दो तो बिल्कुल वैसे ही केस इसमें आ जाता है। कलर को देखो तो इसके कलर में मॉटल्ड पिंक है, ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे साइनोसिस होती है। डेंसिटी में देखो तो ये स्पॉन्जी इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करनी है। बबल्स को देखो तो इसमें एयर के बबल्स होते हैं, ओके। अगर कट सेक्शन करते हैं तो फिर आपको फ्रॉथी ब्लड देखने को मिलता है, ओके, फ्रॉथी ब्लड, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फ्रॉथी ब्लड नहीं देखने को मिलेगा, अगर होगा भी तो वो डिकम्पोजिशन का होगा। वेट को अगर देखते हैं तो उसका वेट तकरीबन बॉडी से कंपेयर करते हैं तो 1/35 है, इसका 1/70, यानी इसका दुगना वेट है लंग का। स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं तो 1040 से लेकर 1026 तक, जबकि 940 से लेकर 950 तक। इन्होंने इन सब चीज़ों को टेबल के अंदर कंबाइन कर दिया है, तो आपने टेबल को याद रख लेना, ठीक हो गया, बाकी थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज़ हो गया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर, वह है साइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्पायरेशन, ठीक है, साइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्पायरेशन। अब ये हमने क्यों करा है, क्योंकि इस केस के अंदर जो बेबी ने सांस नहीं ली होगी, इस केस के अंदर बेबी ने सांसें ली होगी, ओके। अब इसके बाद डिग्री ऑफ मेचोरिटी ऑफ चाइल्ड हो गया, जो इमेच्योर चाइल्ड होता है नॉर्मली कहती है कि वो डाई हो जाता है, मर जाता है, और कानून के मुताबिक 7 महीने की हमने बाउंड्री लगाई हुई है, 7 महीने से पहले 280 वीक से पहले तक वो वायबल नहीं होगा, इसके बाद वो वायबल होगा। वायबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा यूट्रल लाइफ में सर्वाइव कर सकता होता है। अब फुल टर्म मैच्योर चाइल्ड इसकी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, अब वो चीज़ आई थिंक याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको रीड कर लेना। दूसरे लाइफ के साइंस क्या होते हैं, ठीक है, यानी अगर जो बेबी है उसके कपड़े पहने हुए हो तो वो लाइफ बर्थ है। वन इज कैजियोजा, बॉडी से वाश हुआ है, ठीक है, इसका मतलब पैदा हुआ था, जिंदा पैदा हुआ था। मिल्क और जूस उसके स्टोमक के अंदर है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड सेपरेट हो गया है, उसके ब्लेडर के अंदर यूरिन एबसेंट है, ठीक है। चेंजेस इन द किडनी, चेंजेस इन द मिडल ईयर, और जिलेटिनस कनेक्टिव टिश्यू, और फीटल लाइफ रिप्लेस बाय ईयर, ये कुछ अदर साइंस होते हैं, ओके। अब समरी बता रहे हैं, समरी ऑफ द फैक्टर्स इंडिकेटिव ऑफ लाइफ बर्थ, के वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ बर्थ को इंडिकेट करते हैं कि ठीक है उसने सांस वगैरह ली थी, यानी वो जिंदा पैदा हुआ था। तो पहला जो चाइल्ड होगा वो मेच्योर होगा, 7 महीने वाली एज को गुजार चुका होगा, उसके लंग थोरैसिक कैविटी को पूरा कवर कर रहे होंगे, डायफ्राम 6 से लेकर 7 रिब तक होगा, लंग्स का कलर मॉटल्ड पिंक होगा, अगर लंग्स को वाटर के ऊपर डाले तो वो फ्लोट करेगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, ब्लड स्ट्रेन फ्रॉथी फ्लूड देखने को मिलेगा, ओके। मेडिको लीगल या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो लंग्स के एल्वियोलाई की एक्सपेंशन होती है और वेसल्स पेटेंट होती है, ओके। और अम्ब्लाइकल कॉर्ड में चेंजेस वगैरह को देखोगे वो भी आपको देखने को मिलेगी, और स्टोमक के अंदर फूड वो भी लाइफ बर्थ को इंडिकेट करती होती है। अब लास्ट पॉइंट है कि अगर बेबी जिंदा था तो उसने कितना सर्वाइव किया होगा, कितने देर तक किया होगा। अब इसको डिटरमिन करने के लिए कितने देर तक किया होगा, मतलब टाइम से डेथ किया था, कितना उसने जिंदगी गुजारी थी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, तो पहला कुछ चेंजेस होती है, चेंजेस इन द स्किन ऑफ इन्फेंट, कैपुट सिकंडम है, चेंजेस इन द अम्बिलिकल कॉर्ड है, चेंजेस इन द सर्कुलेशन है, चेंजेस इन द फेटल हीमोग्लोबिन होती है, ओके। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, कि उसकी मौत की वजह क्या थी, नेचुरल था, एक्सीडेंटल था, होमिसाइडल था, फिर नेचुरल, एक्सीडेंटल, और इनको भी एक्सप्लेन करते रहते हैं इतना सारा, ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं जिससे हम ये पता चलाएंगे कि बेबी ने कितना सर्वाइव किया था मौत से पहले। तो पहला चेंजेस इन द स्किन, वन इज कैजियोजा, भी सिर्फ हेडिंग को याद रखते हैं, कलर ऑफ द स्किन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डस, और ठीक है, और इसका ओरिजिनल कलर। दूसरा फैक्टर होगा कैपोट सिकंडी, अभी ये बिल्कुल वैसे ही जैसे थैनाटोलॉजी वाले पैरामीटर से। वन इज कैजियोजा, अब वन इज कैजियोजा फ्लैक्सर के अंदर और नेक के फोल्ड के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 2 दिन तक रहता है, यानी अगर आपको वन इज कैजियोजा फ्लैक्सर्स एंड नेक फोल्ड्स में देखने को मिले तो उसका मतलब 1 से लेकर 2 दिन उसको हो चुके थे। कलर्स ऑफ द स्किन, नॉर्मली जब वो पैदा होता है तो ब्राइट रेड होता है, ओके, तब वो बार बार बन जाता है 2 से लेकर 3 दिन तक। फिजियोलॉजिकल जॉन्डस 3 से लेकर 6 दिन तक, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, फिर 7 से 10 और 10 से लेकर 14 तक, ठीक हो गया। ओरिजिनल कलर 7 से लेकर 10 दिन तक आ जाता है। कैपुट सुकेडनम या सुकेंडम बोलते हैं, असल में ये हमारी प्रेजेंटिंग पार्ट की, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब होता है वो वाला पार्ट जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है इन द
एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया, ओके, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो उसकी एडोमेटस स्वेलिंग को बोलते हैं हम कैपोट सिकंडम। नॉर्मली जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो हेड होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ब्रूज ऑफ द स्काल्प, ओके, ब्रूज ऑफ द स्काल्प। और बाज अवकात हेमरेजिक स्वेलिंग भी हो सकती है इस रीजन की, जिसको सेफलो हिमाटोमा बोलते हैं। नॉर्मली ये 1 से लेकर 7 दिन तक डिसअपियर होता है। इसके बाद चेंजेस इन अम्ब्लाइकल कॉर्ड, ओके, नॉर्मली बर्थ पर जो ब्लाइकल कॉर्ड स्पायरल प्लम्प और ओपल कलर का होता है, ओके, फिर 2 घंटे बाद क्लॉटिंग आना शुरू हो जाती है, श्रिंकिंग और ड्राइनेस हो जाती है 1 दिन में, 3 से लेकर 4 दिन तक उसकी मम्मीफिकेशन होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी लेयर 36 से लेकर 48 घंटे में आना शुरू हो जाती है, 10 से लेकर 12 दिन में कॉर्ड फॉल करना शुरू कर देता है विद द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। तो ये आ जाएगी चेंजेस इन द ब्लाइकल कॉर्ड। इसके बाद चेंजेस इन द सर्कुलेशन, कुछ आर्टरीज होती है और कुछ ओपनिंग्स होती है, उनको देखने के बाद हम ये तय करते हैं कि इसको कितना टाइम हो गया था सर्वाइव किए हुए। अम्ब्लाइकल आर्टरी, अम्ब्लाइकल वीन, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस फॉर्मिंग ओवेल। अम्ब्लाइकल आर्टरी 2 से लेकर 3 दिन में इसकी क्लोजर होती है, अम्ब्लाइकल वीन इसकी कॉन्ट्रैक्शन या क्लोजर 2 से लेकर 3 दिन वंस अगेन और कंप्लीट क्लोजर होती है 4 से लेकर 5। डक्टस आर्टेरियोसस, ओके, तकरीबन इसकी 7 से लेकर 10 दिन में आके कंप्लीट हो जाती है। फॉर्मिंग ओवेल कहते हैं कि फॉर्मिंग ओवेल 2 से लेकर 3 महीने तक नॉर्मली क्लोज हो जाता है, कभी कभार 2 साल तक या ये भी हो सकता है कि पूरी लाइफ में परसिस्ट रह सकता है। इसके बाद चेंजेस इन फीटल हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन एफ होता है, ओके, तो फीटस हीमोग्लोबिन आता है ये फर्स्ट 2 to 3 मंथ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक हो गया, ओके, लेकिन 5th मंथ के अंदर 94% हीमोग्लोबिन, यानी 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो मेजर हीमोग्लोबिन होगा वो 94% फीटल हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन बर्थ पे जो वो कितना होगा 80% होगा, ओके, 6th मंथ पर वो अडल्ट हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन को रिप्लेस कर लेगा। तो इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए आप ये पता चला सकते हो कि उसको मरे हुए कितना टाइम हो गया था या उसने कितना सर्वाइव किया था। अब इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, बायोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अल्कली रेजिस्टेंस मेथड, स्पेक्ट्रोग्राम, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब आगे है व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह क्या थी, नेचुरल कॉजेस, एक्सीडेंटल कॉजेस, क्रिमिनल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस में कंडीशन इन द मदर या बेबी की कंडीशन थी, एक्सीडेंटल कॉजेस के बर्थ के दौरान या बर्थ के बाद था, बर्थ के दौरान उसको इंट्रानेटल, बर्थ के बाद पोस्टनेटल। क्रिमिनल कॉजेस हैं एक्ट ऑफ कमीशन, मैकेनिकल वायलेंस अप्लाई किया था, पॉइजन था या एक्ट ऑफ अमिशन या किसी से गफलत हो गई थी। नेचुरल कॉजेज में कुछ मदर के कॉजेज होते हैं, कुछ बेबी के होते हैं। मदर के कॉजेज में पहला प्लेसेंटा प्रीविया, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो उनको पता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। इसमें इंटरनल ओस के आई थिंक अराउंड इम्प्लांटेशन हो जाती है, साइफिलस है, ओके, अगर कंडीशन इन द बॉडी कि बेबी इमेच्योर था, मैलफॉर्मेशन थी, लैरिंग्स का स्पैजम था, हेमरेजेस थे या उसके अंदर कॉन्जेनिटल डिजीज थे, अम्ब्लाइकल कॉर्ड के डिजीज थे। इसके बाद एक्सीडेंटल कॉजेस, एक्सीडेंटल कॉजेस वही इंट्रानेटल हो सकते हैं या पोस्टनेटल हो सकते हैं। अब इंट्रानेटल वाले आपने इसी टेबल से रट्टा मार लेने हैं, ओके, इस टेबल से कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर होता है तो जो ब्लड मेनिन्जीज के अंदर एक्स्ट्रा विजिट करना शुरू कर देता है, ओके, या अम्ब्लाइकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो जाएगा, इस केस में एस्फिक्सियल डेथ हो सकती है, या अम्ब्लाइकल कॉर्ड की जो नॉट होती है वो आगे नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हो सकती है, या प्लेसेंटा कि इमेच्योर प्री मेच्योर सेपरेशन हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या कोई एब्डोमेन के ऊपर हैवी ब्लो या किक वगैरह लगती है, इंजरी वगैरह लगती है। फाइनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो क्रेनियल बोन को फ्रैक्चर कर सकती है फीटस की। अब पोस्टनेटल में सफोकेशन, प्रेसिपिटेट लेबर, सूडो प्रेसिपिटेट एंड अनकॉन्शियस डिलीवरी। सफोकेशन में ये हो सकता है कि मदर का ब्लड या एमनियोटिक फ्लूइड, फीसिस, म्यूकस उसको सफोकेट कर दे, उसके एस्फिक्सियल डेथ करवा दे मैकेनिकल एस्फिक्सिया से। प्रेसिपिटेट लेबर, क्या अगर लेबर काफ़ी ज़्यादा प्रोलोंग या सीवियर परसिस्टेंट था तो इसकी वजह से भी जो बेबी की स्कल बोन्स है उसके फ्रैक्चर हो सकता है या अम्ब्लाइकल कॉर्ड रैप्चर हो सकता है, ओके। आगे सूडो प्रेसिपिटेट है जो प्री पारा में इसको छोड़ो आप, अनकॉन्शियस डिलीवरी है कि अगर मदर में नार्कोटिक ड्रग्स थे, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपने इस टेबल में से इंट्रानेटल डेथ है और पोस्टनेटल में आप सफोकेशन याद रख लेना, प्रेसिपिटेट लेबर याद रख लेना, अनकॉन्शियस डिलीवरी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है क्रिमिनल कॉजेज लिखे हुए हैं, ओके, क्रिमिनल कॉजेज। अब क्रिमिनल कॉजेज भी 2 टाइप के होते हैं, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन, की गफलत हो गई थी या मैकेनिकल वायलेंस या पॉइजन अप्लाई किए थे। एक्ट ऑफ कमीशन के अंदर आप मैकेनिकल वायलेंस प्रोवाइड करोगे, कोई पॉइजनिंग वगैरह भी दे सकते हो, पॉइजनिंग के अंदर ओपियाइड्स हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, तो बाको है, मादर है, थतूरा ही वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्ट ऑफ कमीशन में सफोकेशन हो सकती है जो कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इन्फेंटिसाइड है, यानी जैसे बेबी पैदा हुआ उसके ऊपर तकिया वगैरह लग दिया, फेस वगैरह लग दिया, उसको बेबी को मार दिया। स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है अम्ब्लाइकल कॉर्ड से या किसी भी रस्सी वगैरह से, लाइगेचर से हो सकती है, या उसको पानी के अंदर या दूध के अंदर डुबा के मार दिया, या उसके स्कल उसको उठा के फेंका के उसका सर किसी दीवार से टकराया और उसके फ्रैक्चर ऑफ स्कल हो गया, उसकी वजह से डेथ हो गया, या फिर उसका गला घोटा, इतने जोर से गला घोटा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर डिसलोकेशन की वजह से डेथ हो गया, या गला घोटने की वजह से थ्रॉटलिंग से डेथ हो गया,
या कट्स नीडल से, पिन से, सीजर से कट वगैरह लगाए थे, जैसे हार्ट, ब्रेन, मेडुला रप्चर हो गया, या पॉइजनिंग के केस में ओपियाइड्स और स्विनिक वगैरह यूज़ किया था। अब है एक्ट ऑफ ओमिशन या निगलेक्ट, अब ये बस इतना ज़्यादा काम करनी है, इसको आप खुद रीड कर लेना। ओके, अब यह अबेंडेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब यहाँ पे कानून वगैरह लिखा हुआ है, हु एवर बींग द फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 और हैविंग द केयर ऑफ सच अ चिल्ड्रन शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबर्निंग सच चाइल्ड इज पनिशेबल विद द प्रिजन इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन अप टू 7 ईयर फाइन और बोथ। यानि इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो फादर या मदर उस बच्चे को जो 12 साल से नीचे का है उसको उस जान छुड़ाने के लिए बेयार मददगार छोड़ देती है, तो इस केस में फादर या मदर इनको 7 साल की कैद हो सकती है, या इनके ऊपर फाइन अप्लाई हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है। ओके, तो ये था अबेंडन ऑफ चाइल्ड, के चाइल्ड से जान छुड़ाना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ है, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, जिसको कैफे सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अब इस केस में पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। एक स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन है यंग चिल्ड्रन के अंदर। ओके, अब इस केस में जो यंग चिल्ड्रन है उसको नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस का सामना करना पड़ता है, या उसको हैंड्स के ऊपर इंजरीज वगैरह होती है, स्पेसिफिकली उसके पेरेंट्स से, उसके गार्डियन से, या उसकी निगरानी करने वाले बंदों से उसको चोटें वगैरह लगती है। यानी जो बेबी होता है कभी कभार अनवांटेड बेबी होता है, या अपना सारा सफोकेशन या अपना सारा जो गुस्सा होता है उस बेबी के ऊपर उतार देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मारते होते हैं, कूट देते हैं, तो उसको बोलते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम या कैफी सिंड्रोम होता है। अब इसके कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ विक्टिम की कॉजेज होती है, पहले आपको इसके दूसरे नाम बता दे, तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, कैफी सिंड्रोम, कैफी कैम्पी सिंड्रोम, माल ट्रीटमेंट सिंड्रोम, या उसको पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। असल में जो इसके शिकार होते हैं, विक्टम्स होते हैं, वो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं, जो जिस बच्चे की जरूरत नहीं थी लेकिन पैदा हो गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह करते हैं, उसके वालदैन या उसके बड़े भाई वगैरह कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जो विक्टम होता है वो अनवांटेड चाइल्ड होता है। फॉर एग्जांपल शादी करने से पहले प्रेग्नेंट हो गया, या इलेजिटिमेट लावारिस बच्चा, या फिर इलीगल वगैरह बच्चा है, ठीक है, या वो चाइल्ड जिसकी पैटर्निटी डाउटफुल है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो बच्चा होता है वो 3 साल से कम होता है, ठीक है, स्टोरी जो कि पेरेंट्स सुनाते हैं वो इसकी इंजरी को कंफर्म नहीं करती, यानी पेरेंट्स कहते हैं कि हल्का पुल्का जा रहा था, चोट लग गई या गिर गया था, हालांकि ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स ने खुद मारा होता उसको, ठीक है। और दूसरी बात है कि डॉक्टर पास लाने में काफ़ी ज़्यादा देर कर रहे होते हैं, जानबूझ के देर कर रहे होते हैं, और वो चाइल्ड अनवांटेड होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। कॉमन इंजरी हो सकती है, स्कल के ऊपर ब्रूजेस या ब्रियन वगैरह हो सकते हैं, सब ड्यूरल हैमरेज फ्रैक्चर वगैरह स्कल भी हो सकता है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, लिप्स के ऊपर, माउथ के ऊपर, फेनुलम के ऊपर आपको इंजरीज देखने को मिलती है, वेपिंग साइन देखने को मिलता है, आइज़ के ऊपर या रेटिना पर भी इंजरी हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये रेपिशियस होती है, रिपीटेटिव इंजरीज होती है, रिपीटेटिव फिजिकल इंजरीज होती है, नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस प्रोड्यूस बाय पेरेंट और अ गार्डियन। अब पेरेंट्स ऑफ अ बेटेड बेबी, जिन्होंने इसको जो वालदैन जिन्होंने बेबी को कूटा था, उनके पेरेंट्स किस तरह से होते हैं, नॉर्मली यंग कपल्स होते हैं जिनका चाइल्ड अनवांटेड था, नहीं चाहिए था उनको बेबी, लेकिन बड़ा बुरे तरीके से उसको सलूक कर रहे थे उसके साथ, ठीक है, ओके, या आइसोलेटेड फैमिली थी विद अ डोमिनेंट फादर। अब यहाँ पे लिखा हुआ अनहैप्पी एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड, के उसके साथ फादर के साथ उसके चाइल्डहुड में, इसके बचपन में बहुत बुरा सलूक होता था, तो वो भी करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वह अकेले रहते थे। पुअर फैमिली थी, गरीब थी, इनको एजुकेशन नहीं थी, लो आईक्यू था, या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली हिस्ट्री थी। मैनेजमेंट में होता यह क्या है कि सबसे पहले आपने चाइल्ड की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, दूसरा आपने फैमिली को कहना भाई बच्चे को जान छुड़ा दो, बच्चे को आपने हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है, हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना है, फिर आपने जो पेरेंट्स के प्रॉब्लम को जानना है, फिर उनको अच्छे खासा मशवरा देना है, ओके, फिर चिल्ड्रन को भेजना है और वार्निंग देनी है, अगर आपने दोबारा उसको कूटा तो आपको पुलिस के हमरा भेज देगी, पुलिस के हमरा नहीं, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा सीवियर इंजरीज थी तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके डायग्नोसिस हम ये करेंगे कि नेचर और रिकरेंस ऑफ इंजरी, के किस जगह पर इंजरी थी और वो रेपिशियस थी, रिकरेंस रेट क्या था उसका, ठीक हो गया। टाइम टेकन टू सीक मेडिकल एडवाइस, के चोट लगी थी 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले, लेकिन तब चेक नहीं करवाया, आप चेक करवा रहे हैं, या डिस्क्रिपेंट हिस्ट्री, की हिस्ट्री बड़ी ख़राब सी दी हुई है, पेरेंट्स कहते हैं कि तो जा रहा था तो चलते चलते गिर गया, हालांकि ऐसा नहीं होता, इन्होंने खुद मारा होता है। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आप उसके कपड़े देखते हो, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हो, उसके वेट और हाइट को मेजर करते हो, उसका एक्सरे लेते हो, ठीक है। नॉर्मली डेथ जो होती है इस केस में वो स्टारवेशन की वजह से भी हो सकती है, ना कि डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, उसको खाना पीना नहीं देते थे। इंटरनल एग्जामिनेशन में ये डेथ हो चुकी है, टॉप्सिक एग्जामिनेशन है, तो स्कल का फ्रैक्चर होगा, पेटिक्चुअल हैमरेजेस देखने को मिल सकता है, ट्रॉमेटिक चेंजेस है, लिप्स फ्रेनुलम के ऊपर चेंजेस होते हैं, एब्डोमन के ऊपर इंजरीज होती है, स्कल के ऊपर ब्रूजेस एब्रियंस होते हैं, ओके, ठीक हो गया।
अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई इस चैप्टर में वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. क्या है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम? ओके, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हेल्थी इन्फेंट. कि किसी भी एक अच्छा खासा सेहतमंद बच्चा था, इन्फेंट था, उसकी डेथ हो गई है, बहुत जल्दी हो गई है, और उसको एक्सप्लेन वगैरह भी नहीं कर सके ऑटोपसी के बाद, उसको बोलते हैं सडन इन्फेंट बेबी सिंड्रोम. अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. दिस इज द कंडीशन इन विच द अपेरेंटली हेल्थी इन्फेंट आर फाउंड डेड विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम डेट वुड हैव इनेबल्ड सच इवेंट टू बी प्रिडिक्टेड और ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. यानी आपने ऑटोपसी किया लेकिन तब भी आपको कॉज ऑफ डेथ पता ना चला, तो उसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. ओके, या उसको कॉट डेथ या क्रिप डेथ भी बोलते हैं. ओके, अब इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं. नॉर्मली 1000 लाइफ बर्थ में इसका जो रेट होता है वो 2 से लेकर 3 होता है. एज जो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीनों तक हो सकती है. मेनली बॉयज ज़्यादा होते हैं. स्टेट ऑफ हेल्थ मोर कॉमन इन लो बर्थ वेट. जो लो बर्थ वेट होते हैं बेबीज होते हैं उनमें रिलेटिवली डेथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है. इनकम का भी रोल लिखा हुआ है यहाँ पर. इन्फेक्शन वगैरह लिखा हुआ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा डेथ हो सकती है. स्पेसिफिकली जो सीजन होता है वो विंटर से लेकर लिखा हुआ है, विंटर वाले सीजन के अंदर ज़्यादा डेथ हो जाती है सर्दी में, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है. एटियोलॉजी लिखी हुई है कि एटियोलॉजी वैसे अभी तक पता नहीं चली, लेकिन ये फैक्टर्स हो सकते हैं. हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है टू द काउ मिल्क, ठीक है, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से डेथ होगी, या GIT इन्फेक्शन है, स्पाइनल हेमरेजेस है, कार्डिक एरिथमिया होते हैं. ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर ट्रैकिया के अंदर एडिमाटस फ्लूइड होते हैं, लंग्स हेमरेजिक एडिमाटस फ्लूइड से भरे हुए हो गए, प्लूरा के अंदर भी पोटेंशियल हेमरेजेस होते हैं. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एविडेंस देखने को मिलेगा. ब्लेडर रेक्टम एम्प्टी होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है नैपकिन रैश वेरिंग, कि नैपकिन जो रैश होते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट वेराइटी के देखने को मिल सकते हैं. ओके, इस केस में जो कॉट डेथ के केस में जो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने कुछ काम किया होता है, पेरेंट्स ने जानबूझ के अपने बच्चे को मारा होता है, और उसको छुपाने के लिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का बहाना रचा लेते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.